हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए आज फिर से मेरे पास। और मुझे पता है सब लोग इंतजार तो कर ही रहे थे ना मेरी वीडियो का। तो भाई मैं आ गई आपके पास एक शानदार, फिर से गजब की जानदार शानदार वीडियो लेके। तो आज का वीडियो का टॉपिक पता है आपको क्या है? आज का मेरा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग कह सकते हैं कि जो बहुत लंबे गजब के हाइट वाले, मतलब ये तो आप बहुत अच्छे से मेरे इतने समय से वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे अच्छे से जान गए होंगे कि मैं नाप तौल बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकती हूँ कि एक अंदाजे से मैं ऐसी बस बता देती हूँ। ये देखिए, मतलब ये एक हम लोग का जो ट्रेटल हार्ट है, ये ट्रेटल हार्ट जो हम लोग का होता है कम से कम 20-20 इंची ये हो जाता है। मतलब अगर हम लोग ऊपर तक टांग देती हूँ, मेरे को अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने यहाँ पर इस शीशी को रखा था। अभी हम लोग का सीजन थोड़ा सा थोड़ा डाउन हो गया था, डोरमेंसी हो गया था, यहाँ पे मैंने रखा था। अब यहां से आप लंबाई देख लीजिए पूरी, नीचे तक का पूरे ये मैंने कटिंग कर दी थी। आपने मेरी डॉल भी देखी होंगी, मैंने डॉल की हेयर बनाए थे तो उससे भी मेरे पूरे नीचे तक ये आ गए थे। तो ये कम से कम 20-20 इंची ये हम लोग के पूरे गजब के पूरे फैला लेते हैं, जिसको बोल देते हैं कि हम लोग जितना इसको फैलाना चाहें उतने 20 इंची ये लंबे लंबे लटकते जाते हैं। तो मतलब मेरा आज का टॉपिक है लटकने वाले पौधे। हम लोग के गार्डन में लटकने वाले पौधे का क्या शान होता है, क्या जान होता है और क्या गजब का टिप्स होता है। तो वही मुझे आज आपको बताना है कि जैसे कि आप मेरा ये देख रहे हैं, मैंने ये अपने आप से ही जानते हैं मेरी वीडियो तो आप बहुत अच्छे से, मैं अपना हैंडमेड ही सब कुछ करती हूँ और मुझे बहुत टाइम लग जाता है करते करते। तो मैंने यही जुगाड़ किया है, मैंने पाइप का डंडा मेरा पहले से लगा हुआ था और जो पहले मैंने पॉट बनाए थे मेरे सब गिर पड़े हैं। और सब जानते हैं मेरे घर में तो बंदर का आतंक लगा रहता है, तो सब बेकार हो गए वो। मैंने अपनी रॉड का फिर से इस्तेमाल कर लिया और रॉड में देखिए मैंने बड़ी बड़ी डोरियां लगाई हैं। और ये आपको मुझे लटकने वाले पौधों को शो करना है कि मैंने आज इनमें कितनी मेहनत करी। तो भाई मैं कल से इसमें लगी हुई हूँ, जब कल से पूरा दिन हो गया मुझे इसमें लगे लगे, तब दूसरे दिन ही मेरी कोई वीडियो बन पाती है, तो तब उसके बाद में ही आपको कुछ दिखा पाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये एक प्यारा सा हैंगिंग पॉट बनाया है, आप देख सकते हैं ये हमारा हैंगिंग पॉट है और ये हमारा पर्पल हार्ट है। ये पर्पल हार्ट हमारी गर्मियों की शान होता है, बगीचे की शान होती है और कलरफुल गजब के पर्पल हार्ट होते हैं। अगर हम लोग के प्लांट में, समझ लीजिए एक बात मैं कह रही हूँ, अगर हम लोग के प्लांट में कोई भी फ्लावर ना हो तो ये पर्पल हार्ट ऐसा है कि अगर हम लोग एक जगह लगा दें, एक जगह खाली लगा देते हैं, ये अपना राज करना चाहता है, पूरे गार्डन में फैल जाएगा। और इसकी लटाएं भी, जटाएं जो बोलते हैं, लटाएं बोलते हैं, जो लंबी लंबी पूंछे बोलते हैं, तो समझ लीजिए लंबी लंबी पूंछे, लंबी लंबी दाढ़ी पूरे नीचे तक, जितना हम लोग इसको अगर नहीं काटेंगे तो ये भी हमारा 20-20 इंची तक लटकता चला जाता है, लटकता जाता है, जितना ना काटो उतना बड़ा ये पर्पल हार्ट है। ये है अजवाइन प्लांट। तो अजवाइन प्लांट तो आप जानते हैं ये हम लोग का कितना औषधियों से भरपूर है, 100 गुण संपन्न होता है। और इसकी शाखाएं भी आप देख रहे होंगे मेरी अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा, इसकी भी वही हाल है पूरी। मैंने, मेरा टॉपिक ही आज यही है, लंबे लंबे लटाएं वाले मुझे आज आपको प्लांट के बारे में बताना है। तो ये अजवाइन का प्लांट है, ये भी बहुत गजब का प्लांट है और इसमें भी कम से कम बिल्कुल नीचे तक अगर आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसकी कटिंग मत कीजिए, जब इसका सीजन, अभी इसका सीजन आना शुरू हो गया है, अब आप देख सकते हैं अभी सीजन आया नहीं है सबकी मैंने कटिंग करी है इसकी, देख लीजिए क्या गजब की शानदार रफ्तार पकड़ ली है और अब इसकी पकड़ कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल नए प्लांट है, देख सकते हैं ये देखिए नई नई लीफ आ गई है इसकी, मैंने बस यहां से देख सकते हैं ये देखिए, ये पॉइंट कटिंग किया है, ये पॉइंट कटिंग किया था, यहाँ किया था, ये देखिए ये 3-4 जगह मैंने कटिंग करी थी और मुश्किल से अभी मेरे ख्याल से 20 दिन भी नहीं हुए हैं और गजब की ग्रोथ देख रहे हैं आप, इतनी गजब की ग्रोथ हुई है। और ये अब जो लटे हैं, लटक रही है ना, पूरी जमीन तक छू जाएंगी अगर मैं इसको ना तोड़ू, ना मैं कटिंग करूं तो ये इतनी रफ्तार से बढ़ जाएंगी। तो ये पर्पल हो गया, अजवाइन हो गया, अब आ गया हमारा गार्डन की गजब की शानदार जानदार, हमारे नवाबों के शहर के जियो प्लांट। जियो प्लांट को तो जियो नाम ही इनका जियो है, तो ये क्या मतलब, जियो मतलब जियो, जिंदगी भर जीते ही रहते हैं, इतनी लंबी लंबी रफ्तार होती है इन लोगों की भी। और आप मेरे गार्डन को देख सकते हैं, मैंने यहाँ प्लांटर ट्री बनाया था, आपने बहुत अच्छे से मेरा रिपीट किया होगा, अगर मेरा आपने रिपीट किया होगा ये प्लांट तो, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने ट्री बनाया था और उस समय आपने देखा होगा मैंने कटिंग मुश्किल से 1-1 इंची क्या आधी आधी इंची की कटिंग लगाई थी। और अब कितने महीने हुए हैं उसके, अभी 2 महीने भी इस प्लांट ट्री को नहीं हुआ होगा और इसने देख लीजिए पूरी जगह अपनी कवर अप कर ली है। तो ये हमारा जियो प्लांट भी
गजब का हमारा शानदार प्लांट है जो हम लोग का लंबी लंबी रफ्तार पूरे नीचे तक लटकता चला जाता है। तो मेरा मतलब है मैंने सारे हैंडमेड पॉट ही बनाए हैं। ये देख सकते हैं मेरी दवाई की बॉटल है और मैंने इसमें कितने सारे छेद किए हैं, बहुत सारे छेद किए हैं और इसमें जगह जगह से कटिंग लगा दी थी। 15 दिन पहले मैंने इसको लगाया था जिससे कि मेरी ये ग्रो अप हो जाए। जब ग्रो अप हो जाती है उसके बाद ही मैं आपके पास वीडियो लाती हूँ। तो ये मेरी सारी कटिंग ग्रो अप हो गई है, देख सकते हैं डंगाले अपने आप ही ढेरी सारी लगनी शुरू हो गई है और पूरी चारों तरफ बॉटल में छेद कर दिया था। जानते हैं बॉटल में छेद हम लोग कैसे करते हैं, कितनी मेहनत पड़ती है। और उसके बाद मैंने इसको हैंगिंग पॉट शानदार बना दिया। एक मेरा ये हैंगिंग पॉट ये हो गया। अब ये बॉटल देख लीजिए, बॉर्नविटा की बॉटल है। ये देखिए, ये मेरी बॉर्नविटा की बॉटल गार्डन में ढेरों पड़ी रहती है, जितनी वेस्ट होती है सारी मैं अपना कचरा पूरे गार्डन में भर लेती हूँ बॉर्नविटा। अब बॉर्नविटा मैंने कचरा भर लिया है, ढेरों प्लांट लगाए हैं। अब इसमें भी देखिए मैंने जियो का भरमार हो गई है, इसको भी मैंने यहाँ पे छेद कर दी है। देख सकते हैं पूरे बॉटल में मैंने छेद कर दिए हैं और जगह जगह इसकी लटाई लटक रही हैं, क्योंकि ये हम लोग का जियो है, पूरा प्लांट में अपनी ही बाहर बनाना चाहता है। एक जियो, एक हम लोग का टर्टल हार्ट, दो प्लांट ऐसे हैं कि आप लोग कितना भी काटेंगे ये समझ लीजिए जिद्दी प्लांट होते हैं, बेशरम प्लांट होते हैं और हम लोग को जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं चाहते। तो इनकी बाहर चारों तरफ भर जाती है। ये मैंने लटकने वाला प्लांट बना दिया है। ये देखिए मेरी एक ग्लूकोज की डंडी है, इसको ध्यान से देखिए, जो हम लोग ऑक्सीजन मास्क लेते हैं जब हम लोग को प्रॉब्लम घर में किसी को हो जाती है, तो ये मैंने ऑक्सीजन मास्क की जो हम लोग की बड़ी सी नली होती है उसी नली का इस्तेमाल किया है, उसमें ही मैंने ये अपना पॉट टांग दिया है। और मुझे अभी इस पॉट में मैंने ये छोड़ दिया था आप लोग को दिखाने के लिए कि थोड़ा सा नहीं, आपको लगेगा हर चीज तो मैंने तैयार करके रखी है, तो थोड़ी सी कटिंग मैंने आपको छोड़ दी थी दिखाने के लिए। मैंने इसमें छेद कर दिए हैं, देख सकते हैं कितने सारे छेद हैं। और इन छेदों में इस तरह से ये टर्टल हार्ट लगा लीजिए, पर्पल हार्ट लगा लीजिए, कोई भी प्लांट लगा सकते हैं इसमें जो आप लोग के पास जो प्लांट के ढेर सारे हैं। मेरे पास तो ज्यादा प्लांट की बहुत सारी ढेरी नहीं होती है, मतलब होती भी है लेकिन मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो वो 2 दिन जब तक उनका मन करता है वो ठीक रखते हैं और जब उन लोग का मूड ऑफ हो जाता है तो वो मेरी सारी कटिंग खराब कर देते हैं। तो इस वजह से मेरे घर में आपने देखा होगा मेरे पास गिने चुने होंगे। आप सोचते होंगे बॉबी जब देखो तब वीडियो लाती है गिन के ही प्लांट दिखाती है, तो भाई बॉबी प्लांट कहाँ से दिखाए, बॉबी लेके तो बहुत सारे आती है और कोशिश करती है एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना देती है। साल भर मेरे प्लांट ग्रो भी हो जाते हैं लेकिन जब मेरे बंदरों का मन होता है तो वो मेरा पूरे गार्डन को खराब कर देते हैं। तो ये मेरा एक प्रपेयर हार्ट हो गया। इसी तरह से मैं पूरा इसको पूरा देखिए कितने छेद हैं, सब जगह मैंने छेद कर दिया, यहाँ से भी ये ढेरी निकल रहा है, अभी मैं इसको भी तैयार कर दूंगी। तो एक मेरा ये हो गया और ये देख लीजिए महाराज को, ये मैंने पेप्सी की बॉटल है शानदार और ढक्कन देखिए मैंने डोरी फंसा दिया, यहाँ पे गीठा लगा दिया इस तरह से, जिससे कि हम लोग की आराम से ये झूलने वाले प्लांट लटक तो रहे हैं, गजब के लटकने वाले हवा में झूमते हुए प्लांट हैं, डांस करते हुए प्लांट हैं, चारों तरफ से झूम रहे हैं। तो मैंने ढक्कन पे छेद किया और ढक्कन पे मैंने ये डोरी फंसा दी है। तो इस तरह से ये देखिए कितनी प्यारी सी, ये देखिए कितनी सुंदर सी, ये बिल्कुल झूला झूलने वाले जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के प्लांट हो गए हैं, तो ये मेरा झूले झूला झूलने वाला ही प्लांट हो गया है। एक मेरा ये खूबसूरत सा प्लांट हो गया है और एक बॉटल ये देखिए मैंने कितनी प्यारी सी फ्रूटी की बॉटल है और इसकी मैंने रेड कलर की गुड़िया सी बना दी है। और लटकने वाले प्लांटों का टॉपिक है तो ये मेरा मनी प्लांट है, ये भी हमारा 20 इंची कम से कम पूरा लटकता जाता है। आप इसको कहीं भी ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल ऊपर, आप बिल्कुल 3 मंजिले मंजिल में भी रख दीजिए तो आपका पूरा घर कवर हो जाता है मनी प्लांट से। इतना मनी प्लांट तेजी से ग्रो करता है, इतना तेजी से ग्रो करता है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है। मुश्किल से आप इसको महीने में एक बार चाय की पत्ती का खाद डाल दीजिए, कोई भी फर्टिलाइजर दे दीजिए, एसिटिक से भरपूर होता है, एसिटिक से भरपूर आप कोई भी लेमन छिलके का पील का फर्टिलाइजर दे सकते हैं, चाय की पत्ती का दे दीजिए, फिर आपका देखिए मनी प्लांट कितनी तेजी से बढ़ता जाता है। इसमें भी मैंने छेद कर दिया है बॉटल में और मैंने इसमें फिट कर दिया है ये डोरी इस तरह से। मैंने पहले से आज ये सब तैयारी कर रखी थी क्योंकि मुझे बोलना भी बहुत कुछ रहता है, मैं बोलना शुरू करती हूँ ना बंद नहीं हो पाती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं डीपली हर चीज बताने लगती हूँ। किसी को मुझे डिटेल चाहिए चाहे ना चाहिए, मेरी आदत है अगर मैं कुछ बताना शुरू करती हूँ तो सुनाती ही रहती हूँ। तो ये देखिए मेरा फर्न का प्लांट है और फर्न का भी मैं कहीं से चुरा के लेके आई थी, तो ये भी मेरा काफी बढ़िया प्लांट हो गया है। और ये प्लांट भी ऐसा है, देख सकते हैं लटकने वाला है, इसको भी हैंगिंग पॉट में यहाँ रख देती हूँ। मैंने ये डब्बा यहाँ पे देखिए इस तरह से हैंगिंग पॉट पे बनाया हुआ है और मैं इसमें मट्टी में लगा दूंगी अभी, लेकिन मैं बहुत थक गई थी आज काम करते करते, तो जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, थक गई मैं बहुत, तो मैंने इसको मट्टी में नहीं लगाया, मैंने कहा मैं इसको ऐसे डब्बे में लगा दूंगी, फिर बाद में कल मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, लेकिन आज वीडियो तो मुझे बनानी ही थी, तो मैंने कहा चलो भाई वीडियो भी आपको बता देती हूँ बना के।
तो ये देख लीजिए हमारे स्पाइडर प्लांट इसको कहा जाता है, और स्पाइडर प्लांट की तो इतनी लटाएं होती हैं, इतनी लटाएं होती हैं, यहाँ से पॉइंट से इसकी अपने आप ही ये छोड़ने लगता है और लटकने लगता है और पूरा जमीन तक ये हम लोग की लटाएं बिखेरने लगता है। तो ये स्पाइडर प्लांट भी हमारा लटकने वाला प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कितने सारे लटकने वाले प्लांट बता दिए हैं, और ये देख सकते हैं मैंने डब्बा कितना सुंदर सा फेविकोल का बड़ा सा डब्बा था, इसमें छोटे छोटे से फेविकोल आते हैं वो मैंने यूज किया अपने घर का ही, और इस तरह से मैंने डोरियों से बांध दिया है इसको। अब बंदर जब आएगा तब आएगा, फिलहाल मेरी आज वीडियो तो बन जाएगी, मेरी वीडियो में चांद चार बिखेरना है अपनी वीडियो में, बस मैं अपनी चार चांद वीडियो में बिखेरने के लिए बना लेती हूँ, उसके बाद तो बंदर का जब काम होगा वो तो उसका अपना काम है, मेरा अपना काम है भाई, हम लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, जब उसका मन होगा वो अपना काम करेगा ही। तो ये मेरा खूबसूरत से प्लांट हो गए हैं ढेर सारे, चारों तरफ सुंदरता बिखेर रहे हैं। बाकी जैसे हम लोग के ये मैं हैंगिंग पॉट भी बताया, मैंने लटकने वाले प्लांट भी बताए, बाकी बेला का हम लोग का प्लांट ऐसा होता है जो ढेरी पूरा बिल्कुल आप जहां इसको चढ़ाना चाहें, मालती की बेल है, मालती की बेल देख सकते हैं, अपराजिता की बेल होती है, जो हम लोग की मतलब मैंने लटकने वाली बताई ना बेलों, बेल वाली, ये बेल वाली प्लांट हो गई, ये लटकने वाले प्लांट हो गए, तो ऐसे बेलों वाले भी ढेरे हम लोग के गार्डन में हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, मैंने इसको भी सोचा था थोड़ा सा, ये भी मेरा बहुत खूबसूरत सा प्लांटर है, मैंने एरियल की बॉटल से इसको बनाया था, और इसको भी मैंने यहीं पे जगह दी थी बनाने की, कि मैं थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे दिखा दूंगी लटकाते हुए, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाए, और मेरे यहाँ बंदर तो है ही, और वैसे भी मैं इसको देर तक लटका नहीं सकती हूँ क्योंकि ये जंप मार जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो ये खैर हम लोग का कोई बात नहीं, मैं इसको कहीं और रख दूंगी, फिलहाल तो मैंने इतना ही सामान रख दिया है, बहुत है मैं लटकने वाला। तो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, दिन रात सोचती हूँ, पूरे टाइम दिमाग लगाती रहती हूँ, उसके बाद ही मेरा ये जो भी प्रोजेक्ट कह लीजिए तब मेरा ये तैयार हो पाता है, तब मैं उसके बाद आपके पास ले पाती हूँ। पहले खुद हर चीज ट्राई करती हूँ, पूरा एक दिन मुझे लग जाता है सब तैयारी करने में, उसके बाद जब मैं ट्राई कर लेती हूँ सब कुछ हो जाता है रेडी, उसके बाद ही मैं आपके सामने आती हूँ। तो फ्रेंड मुझे बताइएगा आज का मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि भाई मेहनत तो आप सब लोग बहुत करते हैं, मुझे पता है जो लोग प्लांटर बनाते हैं सबको पता है कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो ये बात तो कोई नई बात तो है नहीं कि मैंने ही अलग से मेहनत कर ली है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है बनाने का। मेरे सारे फ्रेंड्स होते हैं बहुत प्यारे प्लांटर बनाते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ मैं भी थोड़ा सा अच्छा बना पाऊँ, तो ये तो आप कमेंट करके ही बता पाएंगे मैंने प्लांटर अच्छे बनाए कि बुरे बनाए। तो फ्रेंड चलो फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।